दोस्तों, हिंदी मीडियम कैंडिडेट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। यूपीएससी ने डीओपीटी अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को प्रस्ताव दिया है कि सीसेट पेपर, जिसे एप्टीट्यूड पेपर भी कहा जाता है, उसे हटा दिया जाए। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, यूपीएससी का मानना है कि ये समय की बर्बादी है। इसे 2011 में शामिल किया गया था। 4 सालों के बाद भारी विरोध के चलते इसे केवल क्वालिफाइंग पेपर कर दिया गया। सीसेट पेपर में कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक मैथ और इंग्लिश की परीक्षा होती है। जो छात्र हिंदी मीडियम से होते हैं वह लगातार इस पेपर का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए सौतेला व्यवहार है, क्योंकि जो छात्र इंग्लिश मीडियम से है और साइंस बैकग्राउंड से है उन्हें ही इसका फायदा मिलता है। दोस्तों, सीसेट प्रीलिम्स में पेपर 2 है। इस पेपर में परीक्षार्थी को केवल क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाइंग मार्क्स 33% है। साल 2018 में केवल 8 छात्र हिंदी माध्यम से परीक्षा में सफल हुए। छात्रों का कहना है कि हिंदी मीडियम की वजह से सीसेट में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। यूपीएससी ने ये भी सुझाव दिया है कि जो परीक्षार्थी फॉर्म भरकर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, उनकी फॉर्म भरने को भी एक प्रयास माना जाएगा। आधे से ज्यादा ऐसे छात्र होते हैं जो फॉर्म तो भरते हैं लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं।